यशोदा तेरे अंगना, तेरे अंगना ओ मैया तेरो ललना, जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, पूरण ब्रह्म जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो, काको डार झूलावे मैया पलना, ताको डार झूलावे पलना तेरो लगना, चुप चुप जी मेरी यशोदा मैया यशोदा मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना मैया तेरो ललना, ओ तेरो ललना ओ मैया तेरो ललना, जुग जुग जी मेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जी रे यशोदा मैया तेरो ललना,
डर भगतन को हितकारी। माया पाल जड़ेगा के डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जा के डर भगतन को हितकारी। माया काल डरे जा के डर भगतन को हितकारी। अपने सुत को मरम न जाने तू भोली महतारी। अपने सुत को मरम न जाने ओ भोली महतारी। जग में नाही आके तू लेना तेरो लैला। जग में नाही आके तू लेना तेरो लैला। जुग जुग जीवेरी सोदा मैया तेरो लैला। जुग जुग जियो रे जसोदा मैया तेरो लैला। ओ तेरो लैला जय मैया तेरो लैला। ओ तेरो लैला रे मैया तेरो लैला। जुग जुग जीवे रे सोदा मैया। श्री सुत उवाच नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना। आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं राजा परीक्षित नंदस्वात्मज उत्पन्ने बाबा नंद के यहां आज स्वयं आनंद का प्रादुर्भाव हुआ है। कृष्ण सिर्फ नंद और यशोदा के बेटा ही नहीं, श्री कृष्ण जगत के पिता भी हैं। आज जगत का पिता नंद यशोदा के यहां बालक बनकर के आया है। आज स्वयं सागर नदी के किनारे आया है। आज स्वयं सागर नदी के तट पहुंच गया है। जो स्वयं आनंद का सिंधु है वह आनंद का सिंधु नंद के आंगन में प्रगटा है, वहां आनंद कैसे नहीं होगा। ये नहीं कहा नंद के यहां बेटा हुआ, कहा जाता लादो महामना। नंद के यहां जो पुत्र हुआ है का वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, स्वयं आनंद ही आया है बेटा बन करके। जाता लादो महामना, और जब आनंद आया तो बाबा आनंद महामन वाले हो गए। महामन वाले मतलब कहा बहुत ज्यादा छोटा मन नहीं रखना चाहिए। भगवान और भगवान की भक्ति उन्हीं को मिलती है जिनका मन उदार है, जिनका मन विशाल है। हमारे पास कुछ न हो तो कम से कम मन की दरिद्रता तो नहीं होनी चाहिए। व्यक्ति मन से उदार हो। भगवान कहां प्रकट होते हैं तो भगवान ने कहा जो उदार वंश है, रामचरितमानस भगवान ने कहा जो उदार वंश है वहां मेरा प्राकट्य होगा। उदार वंश माने जो देना जानता है, जो बिना दिए नहीं रह सकता है। दानी भी तीन प्रकार के होते हैं। एक वो का हमारे पास में बहुत है और हमने उसमें से थोड़ा सा दान कर दिया, वो भी दानी होते हैं। का दूसरे वो हमारे पास कम है लेकिन फिर भी देने की इच्छा है, दान करने की इच्छा है और हम दान कर रहे हैं। और तीसरे वो का हमारे पास में है नहीं लेकिन दान करने की इच्छा है, बिना दिए हम रह नहीं पाए। वास्तव में दान क्या है, हम बिना दिए रह ना पाए। दान बहुत ज्यादा किया जाए उसका ही महत्व नहीं है, दान
अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर एक रुपया भी किया जाता है तो उस दान का भी उतना ही महत्व है। दान व्यक्ति के मन से उदारता जिसमें है वही दान कर सकता है, जिसे भगवान पर विश्वास है वह दान कर सकता है, और कहा जिसको वंश परंपरा में उदार लोग हुए हैं वह दान कर सकता है, सबसे दान नहीं हो सकता। तो बाबा नंद ने बेटे का जन्म हुआ कितना दान किया है, लिखा है वाचयित्वा सुस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। जब घर में बेटे बेटी का किसी का जन्म हो उस समय का ऐसा नियम है अपने पितृ देवताओं की पूजा करनी चाहिए। देखो कोई भी सत्कर्म होता है उसके पहले प्रारंभ में नांदी मुख श्राद्ध होता है। यहां पर भागवत कथा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले अपने पितरों को मनाया गया है। नांदी मुख श्राद्ध का मतलब ही होता है देवताओं की पूजा से पहले पितरों की पूजा की जाए, पितरों को धन्यवाद दिया जाए कि हम आपकी पूजा करने के लायक हैं, ये शरीर जो है ये हमारे पितरों का है, इसमें जो रक्त है जो खून है वह हमारे पितरों का है, एक वंश परंपरा से ये रक्त प्रवाहित हुआ रक्त आया है शरीर में, तो इस शरीर में हमारे पितरों का ऋण रहता है। तीन लोगों का कर्जा होता है प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, पितरों का ऋण, देवताओं का ऋण और ऋषियों का ऋण, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। ऋण माने कर्जा, जो कर्जे को अदा कर देता है वह सुखी रहता है, जो कर्जा नहीं उतारता है वह दुखी रहता है। देवताओं की ऋण से हम कैसे उऋण हो, कहा देवताओं का ऋण तब समाप्त होता है जब आप देवताओं की पूजा करते हैं, जब आप यज्ञ में आहुति देते हैं। ये पूजन हवन करके हम किसी पर एहसान नहीं करते हैं, ये दान पुण्य करके किसी पर एहसान नहीं करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है। जब आप हवन करते हैं तो इससे देवताओं का ऋण समाप्त होता है, देवताओं का कर्जा उतरता है। जब आप ऋषियों के द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ते हैं या उन ग्रंथों का पाठ कराते हैं, यहां भागवत जी का पाठ क्यों कराया जा रहा है, प्रातः काल 50 ब्राह्मण लगभग बैठते हैं पाठ करते हैं, इससे क्या मिलता है कभी सोचा है? और हम लोग क्यों कहते हैं बार बार पाठ कराइए, भागवत जी का मूल पाठ कराइए, लोगों को लगता होगा महाराज खूब कमा रहे हैं ये करके, उनको ये नहीं पता ये आवश्यक है। जब शास्त्र का पाठ हम कराते हैं, ग्रंथ का जब पाठ करते हैं, तो ऋषियों का ऋण समाप्त होता है। ऋषि ऋण उतारना हो तो ग्रंथों का स्वाध्याय करिए, और आजकल तो मोबाइल से फुर्सत मिले तो ग्रंथ देखें। घर में सबसे ज्यादा गंदगी वहां रहती है जहां ग्रंथ रखे रहते हैं, बोलो राधे राधे। पुस्तकों को झाड़ने का समय नहीं रहता, पुस्तकों को पढ़ने का समय नहीं रहता, पुस्तकों को देखने का अवसर नहीं रहता, यहां तक उनकी पूजा करने का अवसर नहीं रहता, लाए और बाहर से लाके डाल दिया। तो ग्रंथ जब आप पढ़ेंगे, उनका स्वाध्याय करेंगे, उनका पाठ कराएंगे, तो आप ऋषि ऋण से मुक्त होंगे, ऋषि ऋण से उऋण होंगे, नहीं तो ये कर्जा तुम्हारे साथ में ही चला जाएगा। और तीसरा ऋण हमारे पितरों का है, पितरों के निमित्त जो भी आप सत्कर्म करते हैं, नांदी मुख श्राद्ध जब 15 दिन आता है हमारे यहां श्राद्ध पक्ष, उस श्राद्ध पक्ष में पितरों के निमित्त ही 15 दिन बड़े बने हैं। उन 15 दिनों में आप जो भी सत्कर्म करते हैं वह आपके पितरों को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कहा महाराज वो तो मर गए चले गए, कहा नहीं, व्यक्ति का शरीर पूरा हो जाता है लेकिन आत्मा का कभी नाश नहीं होता है। शरीर समाप्त होता है लेकिन आत्मा वही रहती है,
और आत्मा जहां भी होगी वह उसके निमित्त कोई सत्कर्म किया जाएगा तो उस आत्मा तक पहुंचेगा। यहां हम कोई सत्कर्म करेंगे उस व्यक्ति के लिए जिसकी उस आत्मा के लिए, वह आत्मा वहां संतुष्ट होगी, प्रसन्न होगी और देवताओं से प्रार्थना करेगी हमारे वंश के लोग, हमारे परिवार के लोग सुखी रहें। जब पितृ देवताओं से प्रार्थना करते हैं हमारे परिवार को सुखी कर दीजिए, ये लोग हमारे निमित्त सत्कर्म कर रहे हैं, तो व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। इसलिए अपने जीवन में ये तीनों ऋण उतारने का प्रयास भरपूर करना चाहिए। भागवत की कथा कराइए, रामचरितमानस की कथा कराइए। लोग कहते हैं इस महाराज पैसा नहीं कैसे कराएं, कहा जब आप कराएंगे तो धन अपने आप आने लगेगा। जहां ये तीनों ऋण उतर जाते हैं वहां न तो परिवार में किसी प्रकार की संतति का अभाव होता है, न तो किसी प्रकार का धन का अभाव होता है। आप ये तीनों ऋण से उऋण होने का सदैव प्रयास करें, हम ऋण मुक्त होकर यहां से जाएं और उसके साथ अपने परिवार को हम आदर्श देकर के जाएं। बेटा इस तरह से सत्कर्म करना चाहिए कि इन तीनों ऋणों से, तीन कर्जों से हम लोग मुक्त हो जाएं। देवताओं के लिए, ऋषि महात्माओं के लिए और पितरों के लिए हम सदैव सत्कर्म करें। ये मैं नहीं कह रहा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। बाबा नंद ने कार्यामास विधिवत पितृ देवार्चनम तथा, पितृ और देवताओं का अर्चन किया है, ब्राह्मणों को बुलाया और ब्राह्मणों को बहुत साधन दान में दिया है। धेनूनाम नियुते प्रादात विप्रेभ्या समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नौघ सात कौंभावरा व्रतान। बाबा नंद ने कितना दान दिया, एक एक ब्राह्मण को 10,000 गाय दान की है, एक दो गाय नहीं। धेनु नाम नियुते प्रादा, और वह गाय कैसी थी, उन गायों के जो खुर थे वह चांदी से मढ़े हुए थे, उन गायों के जो सींग थे वह सोने से मढ़े हुए थे, उन गायों के ऊपर जो दुसाला पड़ा हुआ था उस पर हीरा जवाहरात लगे हुए थे। ऐसे साज सज्जा से युक्त गायों को लाखों करोड़ों की संख्या में बाबा नंद ने गौदान किया है। ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए हैं। देखो ब्राह्मणों को प्रसन्न करना है तो कहा उनको कुछ दक्षिणा दे दीजिए, दक्षिणा देने से ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं और इस पृथ्वी पर ब्राह्मण प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए हैं, बाबा आनंद को बहुत सा आशीर्वाद दिया है। माँ यशोदा बड़ी प्रसन्न है, वृद्धावस्था में लाला का जन्म हुआ है। ब्रजवासी नाचते झूमते बाबा आनंद के यहां बधाइयां नित्य देने आते। 6 दिन व्यतीत हो गए, किसी को रात्रि और दिन का पता ही नहीं चला, कब रात होती है कब दिन हो जाता है, कब दिन होता है कब रात्र होती है। आज नंद के यहां स्वयं आनंद ही प्रकट हुआ है। इधर जो मथुरा का राजा कंस था, बाबा नंद ने विचार किया कि कंस को मैंने कर नहीं दिया है, जाकर के कंस को दूध दही माखन का कर दे करके आऊं। बाबा नंद कंस को कर देने के लिए गोकुल से मथुरा के लिए चले हैं। इधर कंस ने मंत्रणा की है, कहा कि वो कन्या मेरे हाथ से छूट गई थी और उस कन्या ने कहा था कि कंस तुम हमको क्या मारोगे, तुम्हें मारने वाला ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है। आखिर में ब्रजमंडल में कहां जन्म लिया है, कैसे पता चले। कंस ने राक्षसों को बुलाया, कहा जाओ ब्रजमंडल में जो भी 15 दिन के बालक जन्मे हैं उन बालकों को समाप्त कर दो। वहीं पर बैठी हुई थी पूतना। पूतना ने कहा भैया कंस तुम्हें इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, कहा हमारे पास ऐसा साधन है, मैं अकेले ही काफी हूं, मैं जाऊंगी ब्रजमंडल में जितने भी बालक होंगे
उन बालकों को मैं मार करके उनका काम तमाम करके वापस आ जाऊंगी। देखो इसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ क्या है? का न पूतम, जो पवित्र नहीं रहता है उसी का नाम पूतना है। पूत माने पवित्र। और दूसरा अर्थ का जिसके कोई पूत न हो। यह तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, बहुत से लोग होते हैं माताएं जिनके यहां बेटा बेटी नहीं होते हैं, का कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के बेटों को मारने का काम करता है उसका नाम है पूतना। अपने तो है नहीं, दूसरों के अच्छे नहीं लगते हैं, वही पूतना है। और इस पूतना ने अपने स्तनों पर हलाहल विष लगाया और भगवान कृष्ण को मारने के लिए मथुरा से वृंदावन में चली है, मथुरा से गोकुल की ओर चली है। और जब रास्ते में पूतना जा रही थी तो इसने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, अपने बालों में बाल चोटी लगाई, कमर में करधनी बांधी, अपने पूरे शरीर को श्रृंगार से सजा लिया है। यद्यपि है यह राक्षसी और करने क्या जा रही है, मारने का काम, लेकिन बड़े सुंदर बन करके सज करके जा रही है। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं ताम केशबंध प्रतिशक्त मल्लिकाम ब्रहन्नितं वस्तन कृक्ष मध्यमां सुवाससं कंपित कर्ण भूषण तुसोल्लसत कुंडल मंडिता। ये पूतना सज करके चली है, श्रृंगार करके चली है, जाकर के बालकों को गोद में लेती है और वो गोद में लेने के बाद उन बालकों के मुख में अपना पयोधर रख देती है। और जैसे ही बालक दुग्ध पान करता है उस बालक की मृत्यु हो जाती है। बालकों को मारते हुए पूरे ब्रजमंडल में ये पूतना घूम रही है। भगवान ने कहा ये पूतना तो गजब की है, हमारे साथियों को तो ये मारे डाल रही है। भगवान ने ऐसी मति प्रदान करी, वह पूतना सीधे गोकुल में बाबा नंद के भवन की ओर जाने लगी। लोगों ने बिना पूछे ही रास्ता बता दिया। किसी ने कहा लगता है स्वयं लक्ष्मी जी गोकुल में हमारे नारायण से ठाकुर से मिलने आई है, क्योंकि बाबा नंद का जो लाला है, मुझे तो लगता है वो लाला कोई सामान्य नहीं है। बाबा नंद के लाला से मिलने के लिए स्वयं रमा लक्ष्मी जी आई है। तो लोगों ने बिना पूछे ही रास्ता बता दिया, आप इधर चली जाओ, इधर नंद बाबा का भवन है। जहां नंदालय था, नंद यशोदा के भवन की ओर पूतना गई है। और पूतना ने देखा दूर से ही नंदलाल पालने में सो रहे हैं, गोपियां पालना झुला रही हैं। पूतना ने जाकर के भैया यशोदा से कहा, मैया आपके लाला कहाँ है? मैया यशोदा ने कहा, हमारे लाला तो झूलना पालना में झूल रहे हैं। मैया आप कहो तो आपके लाला को हम भी आशीर्वाद दे दे। अरे आप हैं कौन, मैंने पहली बार आपको देखा है। तो पूतना ने कहा, मैं ब्राह्मणी हूं, हमारे पति देव ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देके चले गए थे, मैंने विचार किया कि मैं भी आशीर्वाद देके आ जाऊं, इसलिए मैं आशीर्वाद देने आई हूं। मैया यशोदा ने कहा, ठीक है मेरे लाला पालने में जाओ, आशीर्वाद दो, गोदी में खिलाओ। और पूतना जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के पालने की ओर चली है, श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं विबुद्धताम बालकमारिकाग्रहम चराचरात्मा सन्निमीलिते क्षणः। भगवान ने पूतना को देखा, पूतना को देखते ही भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान कहने लगे, ऐसे व्यक्ति को मैं देखना भी नहीं चाहता जिसकी वाणी में कुछ हो, जिसके मन में कुछ हो, जिसका व्यवहार कुछ हो, का अगर वो व्यक्ति भगवान के सामने चला भी जाता है तो भगवान ऐसे आदमी को देखना भी नहीं चाहते। रामचरितमानस की चौपाई है, आप सब सुने और हमारे साथ गुनगुनाएं। निर्मल मन जल सो मोहि पावा, निर्मल मन जल
अंदर से तो राक्षसी है, सुंदर बनकर के आई है। काम क्या करना चाहती है? भगवान को मारने का। व्यवहार इतना अच्छा दिखा रही है लेकिन अंदर कपट भरा हुआ है। कपट क्या है? का बोलते समय और चिंतन करते समय अगर अलग अलग विचार है उसी का नाम कपट है। जो वाणी में हो वही बोले, जो बोले वही करे। जो बोलता कुछ है करता कुछ है, विचार कुछ करता है, का ऐसे व्यक्ति को भगवान पसंद नहीं करते। भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहला साधन है जो वाणी में हो वही व्यवहार में हो। जो मन में है वही वाणी में है, जो वाणी में है वही व्यवहार में है। कहा भगवान को ऐसे लोग पसंद है, लेकिन पुतना बाहर से तो सजी है, श्रृंगार किया है, लेकिन अंदर से भाव है मारने का। इसलिए भगवान ने आंखें बंद कर ली।